हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक लौकी ली है। लौकी को हम आधा कट कर लेंगे। आधी लौकी का यूज करेंगे। अब पिलर की हेल्प से हम लौकी का छिलका उतार देंगे। जब भी आप लौकी का यूज करें तो लौकी को थोड़ा सा टेस्ट कर लें, ये कड़वी तो नहीं है। कभी कभी लौकी कड़वी भी निकलती है। तो इस तरह से मैंने लौकी का छिलका उतार लिया है। अब मैंने एक बाउल लिया है। बाउल पर मैंने एक ग्रेटर रखा है। ग्रेटर की हेल्प से हम लौकी को ग्रेट कर लेंगे। जो व्यक्ति लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, आप अगर इस तरह से ये नाश्ता उन्हें बना कर देंगे तो वे इसे जल्दी से खा लेंगे और लौकी का पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने लौकी खाई है। तो मैंने लौकी को ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह का बड़ा ग्रेटर नहीं है तो आप बारीक वाले ग्रेटर की हेल्प से भी लौकी को ग्रेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लौकी ग्रेट हो गई है। अब इसमें हम आधा चम्मच डालेंगे जीरा, आधा चम्मच डालेंगे अजवाइन, बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे, स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे, ग्रेट किया हुआ लहसुन डालेंगे। ये मैंने 5 लहसुन की कलियां ली थी और इसे ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्च को दरदरा पीस के डालेंगे। अब इसमें हम 1 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। तो गेहूं का आटा मैंने डाल दिया है। अब सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। पहले हम सभी चीजों को मिक्स करेंगे और अगर जरूरत होगी तो ही हम पानी डालेंगे, क्योंकि लौकी में नमक डालने पर लौकी पानी बहुत छोड़ती है। तो अभी इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। जैसा कि मैंने कहा है, लौकी में नमक डालते हैं, लौकी पानी ज़्यादा छोड़ना स्टार्ट कर देती है और मैंने अभी इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो ये डो गीला है। अब इसमें हम आधा कप आटा और डाल देंगे। तो इसमें मैं आधा कप आटा और डाल रही हूँ और साथ ही इसमें हम 1 चम्मच तेल भी डाल देंगे। अब इसे हम डो की तरह तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने डो बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और 5 मिनट बाद हम नाश्ता बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटा लेंगे और जो डो है वो भी अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, उसकी लोई बना लेंगे। तो मैंने लोई बना ली है। तो मैंने लोई बनाकर एक पीड़े पर रख ली है और लोई को बेलने के लिए मैंने तेल लगाया है। आप चाहें तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं। अब इसकी हम पूड़ी बेल लेंगे। बस इसे हमें पूड़ी की तरह बेलना है और इसे उठाकर हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरियों को बनाकर रख लिया है। तो कढ़ाई में मैंने तेल डालकर पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल भी नॉर्मल गर्म हो गया है। अब हम पूरियों को उठाकर तेल में डालेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे।
तो इस तरह से हम नॉर्मल जो पूड़ियाँ तलते हैं उसी तरह से हम पूरियों को तल लेंगे। तो आप कब बना रहे हैं लौकी की ये पूरियाँ, जिसे सभी खाना पसंद करेंगे। तो देखिए पूरियाँ सभी तरफ से फ्राई हो गई है, अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी की सारी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए लौकी की गर्मा गर्म पूरियाँ बनकर तैयार है। इसे आप अपनी मनपसंद चटनी या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी? रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।